Oh guys, this is Bakwas Mehboob and you are watching my channel King of Tech. Guys, आज की वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले चार ऐसे गंदे काम करने आपको जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो होगा। देखो यार, मेरा चैनल भी ऐसे ही ग्रो हुआ है, आप जाकर देख सकते हो कि मेरे चैनल के ऊपर 7000 से अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चार गंदे काम करने की वजह से मेरा चैनल जो है प्रमोट हुआ, ग्रो हुआ और आज आपके सामने है जो हमारी किंग ऑफ टेक फैमिली है उसके में जो है हमारे 7000 सब्सक्राइबर जो है कम्प्लीट हो चुके हैं और मेरी 2 से 3 वीडियो भी वायरल जा चुकी हैं, आप जाकर मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हो। अगर जो है आप अपने चैनल को कामयाब करना चाहते हो तो ये चारों गंदे काम आपको लाजमी से अपने चैनल पर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा, आप यहाँ पर ऐसे ही भटकते रहोगे, कोई भी आपकी हेल्प करने को नहीं आएगा। इन कामों की वजह से आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है, आपको काफ़ी जो है लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, आप जब अकेले में खुद बैठे होंगे तो आपको अपने आप को थप्पड़ मारने का दिल भी कर रहा होगा। लेकिन अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये चारों गंदे काम आपने लाजमी से करने। तो वीडियो खासी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, बहुत जल्दी जो है यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना चाहते हो तो इस वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं हो तो यार वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको एक रेड कलर का बटन, आपने उसके ऊपर प्रेस करके साथ ही प्रेस कर देना इस घंटी वाले बटन को ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अपने भाई को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जो है मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 मिनट्स में करता हूँ। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से जो है आपने लाइक कर देना है, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कहते हैं कि यार ऐसे कौन से चार ऐसे गंदे काम हैं जिनकी वजह जिनके करने से जो है आपका चैनल ग्रो होगा। पहला गंदा काम जो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर किया वो ये था कि वो था सब फॉर सब कर करके मैंने जो है अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, वो भी जस्ट एक ही महीने में। और ये सब फॉर सब मैंने किए WhatsApp पर, Instagram के ऊपर, लेकिन मैंने YouTube के ऊपर कभी किसी को नहीं किया भाई सब फॉर सब। तो अगर आप YouTube के ज़रिए जो है सब फॉर सब कहोगे, अपने लिंक शेयर करोगे कमेंट्स में, तो ये स्पैम है, इससे आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा और हमेशा के लिए जो है नीचे बैठ जाएगा। इससे अब काफ़ी सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि यार सब फॉर सब ना करो, इससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो किंग ऑफ टेक आपके सामने है, यहाँ पर जो है सब फॉर सब कर करके ही जो है मेरा चैनल आज आपके सामने है, मोनेटाइज है, यहाँ से अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। तो इस चक्कर में आपने कभी भी नहीं पढ़ना कि सब फॉर सब करने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन सब फॉर सब करना है तो किस किस थ्रू करना है, या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। तो चलते हैं आज के दूसरे गंदे काम की तरफ और वो ये है कि आपने जो है अपने चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने अपने चैनल के ऊपर वो वाली वीडियोस अपलोड करनी है जो लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। और आपने जो है हर रोज़ एक, अगर आप YouTube के ऊपर बिगनर हो और जल्दी कामयाब होना चाहते हो, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, तो आपने रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे अपलोड करोगे तो बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। अगर आप एक वीडियो आज अपलोड करते हो, दूसरी हफ्ते बाद, तीसरी महीने बाद, तो चैनल भी आपका ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी है, कंटेंट के ऊपर पूरा फोकस करना है, तभी आपका चैनल जो है ग्रो करेगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। तो ये दूसरा गंदा काम भी आपको अच्छे तरीके से करना है। तो चलते हैं तीसरे गंदे काम की तरफ और वो ये है कि आपने अपने चैनल पर लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के कमेंट्स के आंसर करने हैं, उनको हमेशा उनको जो है आपने इंटरटेन करना है, उनको लाइक्स देने हैं, हार्ट्स देने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उनके आंसर करने हैं, उनकी प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन बताना है, तब वो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपकी हर वीडियो को देखेंगे, आपकी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर आप उनकी हेल्प करते हो और अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हो और ये तीसरा गंदा काम करते हो तो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। चौथा गंदा काम जो आपने अपने YouTube चैनल पर करना है वो ये है कि आपने अपने चैनल के ऊपर ऐसे कोई वीडियो नहीं बनानी, आपने अपने चैनल पर एक ही तरह की वीडियोस बनानी है। मतलब अगर आप टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपने प्रॉपर इसी ही कैटेगरी को फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करा कभी आप एंटरटेनमेंट की बना रहे हो, कभी फनी बना रहे हो, कभी प्रैंक्स वीडियो बना रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी न्यूज़ पे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल आप नहीं करना। आपने अपने चैनल के ऊपर खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी। अगर आपकी टेक की कैटेगरी है, अगर आप इसी को फॉलो करते हो और इससे आगे पीछे नहीं होना, किसी दूसरी कैटेगरी की वीडियो नहीं बनाना, एंड तक इसी को बनाते जाओगे तो देखना कंसिस्टेंस
तो देखना आपके वीडियो भी ऐसा ऐसा ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, आपके चैनल पर वही वाली ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपके वीडियो को देखना पसंद करती है। तो आपने भटकना बिल्कुल नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये चारों गंदे काम आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आप अपने चैनल के साथ जरूर से करोगे अगर आप ग्रो करना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगे।